आज हम बात करेंगे 23 और 24 फरवरी का मौसम अपडेट। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में कभी बारिश तो कभी धूप के बीच सर्दी का सितम लगातार कम हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान की माने तो मौसम अभी शुष्क बना रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में हल्की गिरावट देखी गई है, जिससे कि लोगों को सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। पिछले दिनों सुबह के समय हल्की बदली छाई रही, लेकिन धूप निकलने के साथ साथ ठंड में कमी आई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मौसम शुष्क बने रहने की बात कही गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि प्रदेश भर में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव जारी है, जिसके कारण प्रदेश में लोगों को अभी भी ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि अभी दिन में चुभन वाली गर्मी पड़ रही है, लोगों का स्वेटर अब शरीर से हटने लगा है। साथ ही साथ धूप में बाहर निकलने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर बारिश होती है तो तापमान में कमी आएगी। तो आइए अब जान लेते हैं 23 और 24 फरवरी के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 23 फरवरी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 24 फरवरी के अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की अगर हम बात करें तो इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर में 23 फरवरी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। वहीं न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 24 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है वह 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का अगर हम न्यूनतम तापमान देख लें तो 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 23 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान देखने तो 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 24 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 23 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई। वहीं अगर हम 24 फरवरी के अधिकतम तापमान को देख रहे हैं तो इस दिन भी 24 से 26 डिग्री तक तापमान अधिकतम तापमान रहने की बात कही गई है। वहीं इन्हीं जिलों का अगर हम न्यूनतम तापमान देख लें तो 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 23 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री के बीच में रहने की बात कही गई है। वहीं 24 फरवरी का अगर हम अधिकतम तापमान देख लें तो 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। यानी कि प्रदेश के इन हिस्सों में तापमान में जो है बढ़ोतरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों की अगर हम बात करें तो भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में 23 फरवरी का जो अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक बने रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का अगर हम न्यूनतम तापमान देख लें तो 12 से 14 डिग्री तक बने रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम इन्हीं जिलों के 24 फरवरी का अधिकतम तापमान देख लें तो 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।